रूस और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है और दोनों देशों के बीच तनाव से पश्चिमी देशों में भारी चिंताएं हैं। इन पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं कि अगर ये तनाव बढ़कर युद्ध की दहलीज तक पहुंचा तो इसकी आग पूरे यूरोप में फैल सकती है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने खराब हालात देखे नहीं गए होंगे। पश्चिमी देशों की खुफिया संस्थाओं का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ रूस के भी 1,00,000 सैनिक तैनात हैं। अमेरिका का मानना है कि जनवरी के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 1,75,000 तक हो सकती है। अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे, लेकिन फिर भी रूस एक खेल खेलने में लगा हुआ है। कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस ये दबाव की रणनीति के तहत कर रहा है ताकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के सुरक्षा संगठन नेटो में जगह न मिल सके। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बना तो नेटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। हालांकि नेटो ने रूस को भरोसा दिलाया है कि इससे उसको कोई खतरा नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को अभी नेटो से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच कई मौकों पर संघर्ष हो चुका है। इनमें साल 2014 की जंग भी शामिल है, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को आजादी मिली और तभी से यूक्रेन रूस की छत्रछाया से निकलने की कोशिशें करने लगा। इसके लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से अपनी नजदीकियां बढ़ाई। उसने ऐसा फैसला तब किया जब उसके उत्तर और पूर्वी हिस्से की एक लंबी सीमा रूस से लगती है। साल 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और उन्होंने रूस से बेहद करीबी संबंध बनाए। इन संबंधों की बुनियाद पर उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को खारिज कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि भारी विरोध प्रदर्शन के कारण साल 2014 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई और कथित तौर पर वहां के अलगाववादियों की मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप उसने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। रूस पर आरोप लगते हैं कि वो यूक्रेन के अलगाववादियों को पैसे और हथियारों से मदद कर रहा है। रूस इन आरोपों को खारिज करता है, हालांकि वो खुलकर अलगाववादियों का समर्थन करता है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद डोनबास को औद्योगिक शहर माना जाता है। वहां पर साल 2014 में हुई लड़ाई के दौरान 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस अपने सैनिकों से भी विद्रोहियों की मदद कर रहा है। हालांकि रूस कहता है कि विद्रोहियों का साथ देने वाले रूसी स्वयंसेवक हैं। साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने एक शांति समझौते की मध्यस्थता की, जिससे जंग रुक सकी, लेकिन इससे कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकला। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने हाल में आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेनी सीमा पर 1,75,000 जवानों की तैनाती करने जा रहा है और साल 2022 की शुरुआत में हमला कर सकता है। यूक्रेन ने शिकायत की थी कि रूस ने उसकी सीमा से कुछ दूरी पर 90,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। दूसरी ओर रूस ने अपने जवानों की तैनाती पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की। उसका कहना है कि उसके क्षेत्र में जवानों की तैनाती से किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने 2015 के शांति सौदे का सम्मान नहीं किया और पश्चिमी देश यूक्रेन को इसका पालन कराने में नाकाम रहे। इस सौदे के तहत रूस को एक कूटनीतिक जीत मिली थी और उसने यूक्रेन को विद्रोहियों के गढ़ों को स्वायत्तता देने और उन्हें आम माफी देने के लिए बाध्य किया था। हालांकि इस सौदे पर अमल नहीं हो पाया। इस पर अमल ना होने के लिए यूक्रेन रूस को जिम्मेदार ठहराता है। उसका कहना है कि रूसी समर्थित अलगाववादियों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और पूर्व में विद्रोहियों के गढ़ में रूसी सैनिकों की मौजूदगी है। हालांकि रूस इन दावों को खारिज करता है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच रूस ने यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि 2015 के शांति समझौते को यूक्रेन द्वारा न मानना व्यर्थ है। दूसरी ओर रूस लगातार अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देशों पर यूक्रेन के हथियारों से मदद करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की आलोचना करता रहा है। उसका कहना है कि यूक्रेन के सैनिकों को बलपूर्वक विद्रोहियों के इलाके को दोबारा कब्जा करने के लिए प्रेरित करता है। इस साल की शुरुआत में पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जे की सैन्य कोशिशों के यूक्रेनी राष्ट्र के दर्जे के लिए गंभीर परिणाम होंगे। रूसी राष्ट्रपति लगातार रूसियों और यूक्रेनियों को एक ही लोग कहते आए हैं और वो दावा करते हैं कि सोवियत समय में यूक्रेन को गलत तरीके से ऐतिहासिक रूसी जमीन मिल गई है। वहीं पुतिन की चिंता यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को लेकर भी है। वो चेता चुके हैं कि नेटो उनके लिए एक सीमा रेखा की तरह है। उन्होंने कहा कि नेटो सदस्यों की यूक्रेन में सैन्य ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है, जो यूक्रेन को नेटो में बिना शामिल किए हुए उसके खिलाफ सैन्य मजबूती देगी। बीते सप्ताह पुतिन ने जोर देते हुए कहा था कि रूस को अमेरिका और उसके सहयोगियों से विश्वसनीय और दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी चाहिए कि वो पूर्व की ओर से नेटो के किसी भी कदम से खुद को दूर रखेंगे और रूसी क्षेत्र के नजदीक उसके लिए खतरा पैदा करने वाले हथियारों की तैनाती से भी दूर रहेंगे। पुतिन ने यहां तक कह दिया था कि उसे इस पर कोई जुबानी भरोसा नहीं बल्कि कानूनी गारंटी चाहिए। बीते सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इसी मुद्दे पर एक वर्चुअल बैठक हुई थी।
पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोफ ने बताया है कि अपनी मांगों के बारे में पुतिन ने बाइडेन को इसी बैठक में सूचित कर दिया था। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि रूस की मांग को बाइडेन ने कोई तवज्जो नहीं दी है। बाइडेन ने शुक्रवार को कह दिया था कि वो किसी भी सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करने वाले।